अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ये आज हमने डिस्कस करना है, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, बात शुरू करते हैं कि बेटा ये जो किडनीज हैं इनका जो काम था, ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कि इसका जो मेन फंक्शन है जो मेन फंक्शन है किडनी का, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमने बात करी थी कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है बेटा, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है जी, यूरिन प्रोड्यूस करना, ये इसका मेन काम होता है। और इसके अलावा इसका दूसरा काम एक और भी है और वो है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, यानी कि ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या है कि बेटा जो किडनीज हैं ये वाटर और सॉल्ट्स को मेंटेन रखती है। ठीक है, यानी कि जो वाटर है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर इसको मेंटेन रखती है, ये कहलाता है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। तो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है बेटा, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर और सॉल्ट्स लेवल को मेंटेन रखना। ठीक है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स लेवल इन बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, इनको बॉडी फ्लूइड्स में मेंटेन रखना, ये कहलाएगा ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। अब देखो बेटा, किडनीज जो है इसने ये दोनों काम जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि किडनी ने एक तो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन इसको भी परफॉर्म करना होता है, दूसरी बात है कि इसने यूरिन फॉर्मेशन यानी यूरिन को प्रोड्यूस करना होता है। अब किडनी को कैसे पता चलेगा कि बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो बेटा वाटर है और जो सॉल्ट्स हैं इसका लेवल डिक्रीज हो चुका है, ठीक है, या इसका लेवल जो है वो चेंज हो चुका है, बॉडी को कैसे पता चलेगा इसके बारे में। अब देखिए बेटा, सीधी सी बात है कि बॉडी जो है अपना ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन जो है, ठीक है, ये यूरिन फॉर्मेशन से ही कंट्रोल कर रही होती है। यानी बॉडी ने जब यूरिन प्रोड्यूस करना है, किडनी ने जब यूरिन प्रोड्यूस करना है, तो वहीं से ही उसको आइडिया होगा कि भाई पानी का लेवल, सॉल्ट्स का लेवल बॉडी में क्या है। ठीक है, तो वहीं से उसको आइडिया हो जाता है। अब हम लोग बात शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अब बेटा ये जो यूरिन है ये दो तरह से प्रोड्यूस होता है बॉडी में। ठीक है, अब दो सिचुएशन होंगी बॉडी के अंदर। नंबर वन कि बेटा अगर तो पानी का लेवल जो है वो ज्यादा है, अगर मैं यहाँ पर आपसे ये कहता हूँ, एक सिचुएशन क्या होगी हमारे पास, इफ देयर इज अ एक्सेस वाटर लेवल इन बॉडी, कि भाई बॉडी में पानी का जो लेवल है वो ज्यादा है। ठीक है बेटा, एक सिचुएशन तो ये आ गई। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि अगर पानी का लेवल बॉडी में कम होगा, ये हमारे पास दूसरी सिचुएशन होगी। जैसे कि लो वाटर लेवल इन बॉडी। ठीक है बेटे, अब अगर तो पानी का लेवल बॉडी में ज्यादा है, तो पानी का लेवल ज्यादा होने की वजह से बॉडी जो है वो पानी को ज्यादा से ज्यादा फिल्टर करेंगे। ठीक है, सो देयर इज मोर फिल्ट्रेशन एंड लेस रीएब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी और एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटा कम होगी। ठीक है, यानी कि मोर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि रीनल कैप्सूल में से पानी ज्यादा से ज्यादा फिल्टर होगा और वो मैन कैप्सूल में एंटर हो जाएगा। और लेस रीअब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जब पानी को दोबारा रीअब्सॉर्ब करने की बारी आएगी, ठीक है, यानी कि जब पानी को रीअब्सॉर्ब करना होगा तो उस सिचुएशन में पानी जो है वो बेटा बहुत ही कम रीअब्सॉर्ब होगा। ठीक है, तो देयर इज मोर फिल्ट्रेशन एंड लेस रीअब्सॉर्प्शन। ओके बेटे, तो इस वजह से पानी जो है जब बॉडी के अंदर से ज्यादा है तो उसको किडनी ज्यादा से ज्यादा रिमूव करने के लिए उसको मैक्सिमम फिल्टर कर लेगी और रीअब्सॉर्प्शन उसकी नहीं करेगी, क्योंकि अगर रीअब्सॉर्ब होता है पानी तो पानी का लेवल फिर बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से किडनीज क्या करती हैं कि पानी को ज्यादा से ज्यादा फिल्टर करेंगी और कम से कम रीअब्सॉर्ब करेंगी। इससे ये होगा बेटा कि पानी जो है वो मैक्सिमम, ठीक है, किसका पार्ट बन जाएगा, यूरिन का।
ठीक है, इट बिकम द पार्ट ऑफ द यूरिन, क्योंकि जो पानी डीअब्सॉर्ब नहीं होगा वो यूरिन का पोर्शन बन जाता है। अब जैसे ही वो यूरिन का पार्ट बनेगा और पानी का लेवल जब यूरिन में ज्यादा होगा, तो पानी का लेवल ज्यादा होने की वजह से जो यूरिन यहाँ प्रोड्यूस होगा वो बेटा डाइल्यूट होगा, इट इज डाइल्यूट यूरिन। ठीक है बेटे, जो यूरिन यहाँ प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट यूरिन जो है बेटा वो प्रोड्यूस होगा। अब देखिए, डाइल्यूट यूरिन का प्रोड्यूस होना ये जाहिर करेगा कि पानी का लेवल जो है वो बॉडी में पहले ही ज्यादा है। अब आप दूसरी तरफ आ जाए, अगर पानी का लेवल बॉडी में कम है, तो देखिए बेटा पानी का लेवल अगर बॉडी में कम होगा ना, तो इस सिचुएशन में जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कंसेंट्रेटेड होगा। अब इस सिचुएशन में जो बेटा यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा? कंसेंट्रेटेड। ठीक है जी, इसमें कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा अगर पानी का लेवल बॉडी में बहुत ही कम है। अब ये कंसेंट्रेटेड यूरिन कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये हम लोग पहले समझेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, अगर पानी का लेवल बॉडी में कम है तो इस वजह से पानी की जो फिल्ट्रेशन है वो लेस होगी। ठीक है, लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्सॉर्प्शन, यानी कि पानी जो है वो कम से कम फिल्टर हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा। ठीक है, जब पानी की फिल्ट्रेशन कम होगी और रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से जो पानी है वो मैक्सिमम बॉडी दोबारा रीअब्सॉर्ब करके बॉडी ब्लड को दे देगी, ताकि वो ब्लड के अंदर और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो पानी का लेवल है ना वो बेटा मजीद कम ना हो। ठीक है, वो मजीद डिक्रीज ना हो। इस पर्पस के लिए पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेटा रीअब्सॉर्ब होगा और उसकी फिल्ट्रेशन कम होगी। फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कम इसलिए होगी क्योंकि पानी ऑलरेडी बॉडी में नहीं है, और जब ब्लड जाकर रीनल कैप्सूल में एंटर होगा और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है वो कम ही पानी आगे भेजेंगे, क्योंकि पानी का लेवल बॉडी में कम है, तो फिल्ट्रेशन कम होगी और जितना पानी भेजा जाएगा वो मैक्सिमम फिर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, ताकि पानी का लेवल बॉडी में मजीद डिक्रीज ना हो। इन दैट सिचुएशन एक कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब जब बॉडी कंसेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, यानी कि जब बॉडी में कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, तो बेटा उसकी वजह से बॉडी में ना एक हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है बेटा, किडनी ने क्या प्रोड्यूस किया? कंसेंट्रेटेड यूरिन। अब किडनी ने फौरी तौर पर ये बात आपके ब्रेन को इन्फॉर्म करनी होती है। अब ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं थर्ड सेंटर। ब्रेन को इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा? ठीक है, बात अब ये है कि किडनी कैसे इन्फॉर्म करेगी ब्रेन को। देखो बेटा, जब किडनी कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है ना, तो किडनी साथ ही साथ एक केमिकल भी रिलीज कर देती है बॉडी के अंदर। ठीक है बेटा, उस एक केमिकल जो है वो बॉडी में रिलीज कर देती है, और उस केमिकल को हम हार्मोन कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हार्मोन। यानी कि बॉडी ने जैसे ही एक केमिकल, किडनी ने जैसे ही कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस किया, उसके साथ ही उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया बेटा? एक हार्मोन भी प्रोड्यूस कर दिया। ये हार्मोन फौरी तौर पर ब्लड सर्कुलेशन से ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन को फौरी तौर पर इन्फॉर्म करेगा कि जी बॉडी में पानी का लेवल कम है, और ब्रेन का थर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही ब्रेन का थर्ड सेंटर एक्टिवेट होगा बेटा, उस पर्सन को प्यास महसूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्यास महसूस करेगा। अब जब तक वो पानी नहीं पीता, उसकी वो फीलिंग खत्म ही नहीं होती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि किडनी बार बार कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रही होती है और बार बार केमिकल रिलीज कर रही होती है, और ब्रेन को बार बार इन्फॉर्म कर रही होती है कि भी पानी का लेवल बहुत कम है, और इसलिए ब्रेन बहुत ज्यादा जो है वो थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करता है और बेटा बहुत ज्यादा थर्स्ट फीलिंग को प्रोड्यूस करवा देता है। अब जैसे ही पर्सन उस फीलिंग को खत्म करने के लिए पानी पिएगा, पानी जैसे ही आपकी बॉडी में एक खास लिमिट में, एक खास अमाउंट में, ठीक है, जब बॉडी में एंटर होता है, तो फिर किडनी एक हार्मोन जनरेट करती है, तो उससे आपका थर्स्ट सेंटर जो है ना वो बेटा काम करना बंद कर देता है, जिससे आपकी वो प्यास की फीलिंग जो है वो फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। तो ये वो एक क्राइटेरिया है जिसकी मदद से आपकी बॉडी जो है वो पानी के लेवल को पूरा करने में हेल्प कर रही होती है। लेकिन इसके पीछे मेन जो रोल है वो किडनी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अगर किडनी कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस नहीं करेगी तो आपको कभी भी प्यास महसूस नहीं होगी। ठीक है, कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, आपको प्यास महसूस होगी, ताकि आप पानी पिए, और पानी पीने पर पानी का लेवल बॉडी में नॉर्मल पे आ जाएगा। और अगर पहले ही पानी का लेवल जो है वो ज्यादा है, ठीक है, इफ देयर इज ऑलरेडी एक्सेस वाटर लेवल इन बॉडी, तो बेटा फिर क्या होगा कि पानी की फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, रीअब्सॉर्प्शन कम होगी, जो यूरिन है वो डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा,
जब तक किडनी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रही है, आपका ब्रेन कभी भी आपको प्यास फील नहीं करवाएगा। और बेटा मैक्सिमम पानी को रिमूव किया जा रहा होता है ताकि पानी का लेवल बॉडी में पहले ही ज़्यादा है वो नॉर्मल पे आ जाए। तो इस तरह से किडनी जो है वो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी बुक के ऊपर कि बुक की वर्डिंग हमें क्या कहती है। बेटे सबसे पहली बात, आप लोगों ने ये जो टू लाइन्स हैं ठीक है यहाँ पर हेडिंग देंगे ऑस्मोरेगुलेशन। Osmoregulation is defined as the regulation of the concentration of water and salts in blood and other body fluids. ये इसकी definition है बेटे। Definition के बाद आप जो remaining lines हैं ये वाली dilute them तक, यहाँ पर आप heading देंगे role of kidneys. Role of kidneys या फिर osmoregulatory function of kidney, ये भी main heading आप दे सकते हो। ठीक है, अगर ये लॉन्ग में आता है तो पहले आपको उसमें रेगुलेशन हेडिंग देनी है, उसके बाद दो हेडिंग मैंने बता दी हैं। मेन हेडिंग आप यहाँ पे देंगे ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी या फिर रोल ऑफ किडनी। ठीक है, रोल ऑफ किडनी से भी हेडिंग देना चाहे वो भी दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास अब दो पॉइंट्स बन जाएंगे। ये वाला जो पॉइंट है इसमें आएगा डाइल्यूट हाइपरटोनिक यूरिन, डाइल्यूट हाइपरटोनिक यूरिन, ये इसकी हेडिंग होगी। और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसकी हेडिंग होगी कंसेंट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन, कंसेंट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन, ये हेडिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सॉरी ये हेडिंग आप इस पैराग्राफ में देंगे और इसके साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्लेन द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसके साथ कोई डायग्राम नहीं है बेटे। ओके, तो ये मैं रीडिंग कर देता हूँ। देखें वो क्या कहता है कि when there is excess water in body fluids, kidneys form dilute hypertonic urine. For this purpose, kidneys filter more water from glomerular capillaries into Bowman's capsule. अब वो ये कहता है कि जब बॉडी में पानी का लेवल ज्यादा होगा तो किडनीज डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगी, और इस पर्पज के लिए किडनीज क्या करती है बेटा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से पानी को ज्यादा फिल्टर करती है बोमैन कैप्सूल में। Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. It brings down the body fluids to normal. अब वो कहता है कि भाई जब पानी की reabsorption कम होगी और इससे dilute urine produce होगा, इसकी वजह क्या होती है बेटा कि इसमें जो पानी का volume है ठीक है body के अंदर वो normal की तरफ लाया जा रहा है। Next situation, when there is a shortage of water in body fluids, kidneys filter less water from the glomerular capillaries and the rate of reabsorption of water is increased. अब देखो बेटा, अगर पानी का level body में कम है तो kidneys जो है वो कम से कम water को क्या करती है बेटा, filter करेंगी और ज्यादा से ज्यादा उसको reabsorb करेंगी। ठीक है, less filtration and more reabsorption produce small amount of the concentrated urine. It increase the volume of the body fluids normal. The whole process is under hormonal control. ठीक है, ये उसने अब ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया था डिटेल में जाकर ये सारा प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ तक